हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके सामने लाया हूँ प्रयोग संख्या 4। तो देखिए उद्देश्य इसका क्या है। प्रतिरोध भाग तथा वोल्ट मीटर की सहायता से, देखिए प्रतिरोध भाग तथा वोल्ट मीटर की सहायता से लैग्रैन्ज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले था उसमें था विभव मापी की सहायता से लैग्रैन्ज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इसमें है प्रतिरोध भाग तथा वोल्ट मीटर की सहायता से लैग्रैन्ज सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें उपकरण कौन कौन से हैं? वोल्ट मीटर, प्रतिरोध भाग, प्रायोगिक सेल तथा संयोजक तार। ठीक है, सिद्धांत क्या है? यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत वाहक बल ई, देखिए विद्युत वाहक बल ई तथा विभवांतर बी हो, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर ई बटे बी माइनस वन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई माइनस बी बटे बी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे प्रेक्षण। प्रेक्षण में क्या है? प्रेक्षण में वोल्ट मीटर, ये देखिए सबसे पहला ये जो ई वी आर के मानों के लिए सारणी, तो पहले हम प्रतिरोध बॉक्स, देखिए प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध आर, ठीक है ओम में, ठीक है, और सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट में, ठीक है। इसमें संख्या लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए इसमें हमने इसको काट दिया है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, खानों की संख्या केवल तुम्हें बताइए, इसका वैल्यूज बतानी है। ठीक है, बोल्ट में 1.2, ठीक है ई तो एक बार निकालेंगे, 1.2 तीनों बार आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, और बोल्ट में विभवांतर 0.2 आएगा, फिर 0.3 आएगा, दूसरी बार 0.4। ठीक है, इसी प्रकार जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारा 5, 6 तीसरी रीडिंग में भी 6 आया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखिए कैलकुलेशन करके दिखाइए। प्रथम पार्ट से R1 बराबर 1.2 माइनस 0.2 बट अपॉन 0.2, 1.2 माइनस 0.2 का जब 1/2 तो 1/0.2 तो आएगा 5 ओम। ठीक है, इसी प्रकार से द्वितीय पार्ट से आया 6 ओम, तृतीय पार्ट से भी 6 ओम आएगा। अब इनका मध्यमान निकालेंगे, तो मध्यमान निकालने में क्या करा जाता है, मध्यमान निकालने में देखिए तीनों को जोड़ के और बटे 3 कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.6 ओम। ठीक है बच्चों, अब सावधानियां, वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में उसके धन सिरे को सेल के धन सिरे से जोड़ना चाहिए। नंबर 2, वोल्ट मीटर में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसका ये फिगर ये वाला बनाएंगे। ठीक है, ये वाला फिगर हम बनाएंगे, देखिए 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 ये जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, ये बैटरी है और ये प्रतिरोध वाक्स लगा हुआ है। ठीक है, इसके पॉजिटिव इधर से जुड़ेगा। ठीक है, इधर कुंजी जुड़ी हुई है, K1 की जो K2 है, रेजिस्टेंस वाक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से ये फिगर बना लेंगे और बस इसी बात पर हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रैक्टिकल को लिख लीजिए और इसके बाद प्रयोग जो संख्या 5 है वो अगले वीडियो में डालेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।